इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। एक्स पर तस्वीर शेयर किया, लिखा भविष्य में दोनों देशों के बीच और मजबूत होंगे रिश्ते। दोस्तों, भारत के वजीर आजम की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में थ्रथली मच गई है, वही सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर शेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलिवेंट इंटरनेशनली। नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि ये मुझे रोक नहीं सकते, आई एम अनस्टॉपेबल फॉर द राइज ऑफ इंडिया। क्या कहना चाहेंगे, एक मुल्क वो जो हमसे अलहदा हुआ, हम जिनसे अलहदा हुए, वो तरक्की की उस बुलंदियों पर जा रहा है जहां तक उसका कद इतना बड़ा हो चुका है, उसके आगे हमारा कद इतना सा रह गया, क्या वजह देखते हैं? सर मुझे एक बात बताएं, कभी इंडिया में माशाल्लाह लगा है? नहीं लगा। कभी भी बता दे कि माशाल्लाह लगा हुआ हो? नहीं लगा। यहाँ आए रोज माशाल्लाह लगी होती है, लोगों के लिए टेंशन रहती है हर चीज। द पॉइंट हियर इज कि अब फॉर एग्जांपल जो जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई व्हाट्स द पॉइंट इन दिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो, मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। एंड राइज ऑफ इंडिया इज आल्सो अनस्टॉपेबल, ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है तो इसका मतलब है कि इसका इंपैक्ट क्या है कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है, मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की बर्थडे को एज ए उसको जिसे कहते हैं ना कि बड़े अपस्केल लेवल पे ले गए हैं कि उसको दुनिया के अमन से जोड़ दिया, ठीक है, उसको इस चीज से जोड़ दिया कि आप जो हैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है, सारे का सारा दुनिया में थ्रथली मच गई है, वही सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर शेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलिवेंट इंटरनेशनली, क्यों, ये क्या वजह है? और डोमेस्टिकली आप देखें तो बीजेपी जो है उसने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है, मॉल बना दिया है कि जी नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे है और उसमें फिर वो जिसे वो कहते हैं ना 74 इयर्स, इट डजंट लुक लाइक 74 बाय द वे, 74 इयर्स के हैं और ही इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस ऑफ फॉर द वर्ल्ड। वेल द पॉइंट हियर इज कि अब फॉर एग्जांपल जो जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई व्हाट्स द पॉइंट इन दिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो, मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, ठीक है। आपको पता है इंडिया के अंदर बड़ी मीम्स भी बनती हैं मोदी साहब की और क्या नाम है उसका जो जॉर्जिया मेलोनी की, और मुझे याद है लास्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी जी G7 में थे तो वो जिस अंदाज से जॉर्जिया मेलोनी मिली इनसे तो दैट वाज यू नो कंसीडर्ड, वो जिसे कहते हैं ना टू हैव गुड वाइब्स, नॉट इन अदरवाइज जैसे पब्लिक उसको लेती है मीम्स के चक्कर में, वो हैं फिर वो सारी बात है उसको इधर उधर ले जाते हैं, वो समझते हैं नरेंद्र मोदी भी सिंगल है, आई थिंक मेलोनी भी सिंगल है, तो पता नहीं ये जो है ना भाभी बन गई है अब जो इंडिया की भाभी बन गई, दिस इज व्हाट यू नो दिस इज ऑल सोशल मीडिया सो पीपल गो विद द फ्लो एंड ऑल दिस। अब देखें कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की बर्थडे को एज ए उसको जिसे कहते हैं ना कि बड़े अपस्केल लेवल पे ले गए हैं कि उसको दुनिया के अमन से जोड़ दिया, ठीक है, उसको इस चीज से जोड़ दिया कि आप जो हैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है, सारे का सारा मीडिया, सारे की सारी जो लीडरशिप है, ठीक है जी, वो है। और नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बर्थडे के ऊपर ओडिशा के अंदर एक स्लम का जो है उसका मतलब बैकवर्ड एरिया कह लें या उसको जहाँ उसका चीज़ें नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है, वहाँ पे जो है वो जाएंगे, वहाँ पे कोई आई थिंक कोई प्रोग्राम है वो उन्होंने शुरू करना है। बहरहाल अब द क्वेश्चन ये है कि इस बर्थडे को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाना, ठीक है, और कहना जी कि नरेंद्र मोदी एक डिसिसिव विजनरी लीडर है जो अमन के लिए, दुनिया के लिए अमन के लिए बड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, वो कहते हैं जी कि एक बंदा जो 1950 में पैदा हुआ गुजरात के अंदर वडनगर के अंदर, उसने गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा है 12 साल, फिर अब वो तकरीबन इतने साल ही 11 साल के करीब उसका अरसा हो गया वो प्राइम मिनिस्टर है, सो ही इज़ अ मैसेंजर ऑफ पीस, ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर पीस एंड एम्पथी। सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट द बीजेपी एंड द एंटायर पार्टी दे वॉन्ट टू मेक हिम अ बिगर थिंग, दे वॉन्ट टू ब्रिंक इट लाइक वो इंडिया का एक नया मॉडल लेके आना चाहते हैं, एक जो अब फॉर एग्जाम्पल अमित शाह ने ये कहा कि ही हैज़ अ विजन फॉर न्यू इंडिया,
ठीक है, या इस तरह की चीज उन्होंने उनके बारे में की फॉर द पब्लिक वेलफेयर एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो ये जो वो कह रहे हैं जी इंस्पिरेशन फॉर पीस एंड एम्पैथी की नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू क्राफ्ट एन इमेज ऑफ मोदी। वो मोदी का एक ऐसा इमेज क्राफ्ट करना चाहते हैं कि वो जो इंडिया के फोर फादर्स थे उस इमेज तक उसको लेके आना चाहते हैं। नहीं, अपने आप पे फोकस, नहीं अपने आप पे भी फोकस करूंगा। फोकस इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि वो एक मईशत हमारे साथ बना हुआ जिसको हम अपने दुश्मन कहते हैं, जिसके लिए एटम बम बना लिया हमने, अपने जब उसने एटम बम बनाया तो हमने कहा कि हम गैस का लेंगे, एटम बम बनाएंगे। आज उसकी इकोनॉमी दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है, हम ये क्यों नहीं कहते गैस खा लेंगे, इकोनॉमी इंडिया के बराबर करेंगे, गैस खा लेंगे कि तालीम इंडिया की जितनी कर लेंगे, गैस खा लेंगे कि फॉरेन रिजर्व इंडिया की जितनी करेंगे। हम उसके उनसे तो नाम से तो चिढ़े जाते हैं लेकिन बराबरी नहीं करना चाहते। यार बराबरी ये एक दो चार दस बीस आदमियों ने तो नहीं करनी सर, यही शर्म दिलाने के लिए मैं बार बार इंडिया का नाम लेता हूँ। हमारे हुक्मरानों को शर्म आए, पूरी दुनिया जी बीच हमारे हुक्मरान, अगर आपने कैमरे की तरफ देखिएगा हमारे हुक्मरानों का हालात देख लें जी, बलोचिस्तान की असम्बली का हाल देख लें, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का हाल देख लें, उनका रवैया देख लें, ये पाकिस्तानी लगते हैं। बिल्कुल सही होगा। सर की तरफ जाना चाहूंगा, सर क्या इंडिया के नाम से हमारे दिल में इतनी नफरतें हैं? और ये क्या, ये क्या चीज है कि अगर नफरत करेंगे अपने आप को इस्लाह किए बगैर, अपने आप को उस मुकाम पर लेके जाने के बगैर अब नफरत करेंगे, कोई फायदा होगा नफरत का? ठीक है, और जैसे नए इंडिया की बात किया, नए इंडिया क्या है? फॉर एग्जांपल व्हाट इज न्यू इंडिया? ठीक है, न्यू इंडिया इज ऑल अबाउट यू नो डाइवोर्सिंग इंडिया फ्रॉम द पास्ट। क्या ये है कि जो माजी में था उससे पीछे हट जाएं? ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट वो तो चलो एक साइड पे चीजें हैं, लेकिन द पॉइंट हियर इज वो जो ट्रांसफॉर्मेशन डिवोशन वो सारा कुछ अपनी जगह पे, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ये जितनी भी माजी के फॉर एग्जांपल नेम चेंज करना या ओनरशिप लेना इंडिया की, टू लुक इंडिया फ्रॉम अ हिंदू लेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं दे बिलीव इन दिस। ठीक है कि जी हमारी या वो जो ग्लोबल स्टार्ट लुकिंग अस एज एन हिंदू स्टेट। ठीक है, सो ये दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी ने प्रेस्टीज। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जिसमें सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है ये वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा, आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।